बिहारी प्रतिभा देख रहे हैं आप, देखिए किस तरीके से वार्ड सचिव धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, आइए इन लोग से जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए हम लोग 4 तारीख से ही गर्दनी बाग में इस कड़ाके की ठंड में हम लोग बैठे हुए हैं, घर परिवार छोड़ के, सभी बाल बच्चा छोड़ के हम लोग बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। हम लोग का मांग है, जो हम लोग को जो 17 में जो हम लोग को चयन किया गया था, लेकिन 13/12/2021 का एक लेटर जारी हुआ निदेशक के द्वारा कि आप लोग को हटा के लय सिरे से फिर से वार्ड सचिव का चयन किया जाएगा, उसके खिलाफ में हम लोग प्रोटेस्ट भी किए थे, लेकिन सरकार उस समय NDA के थी और उस समय तेजस्वी यादव जी आए थे हमारे धरना स्थल पर। इसी धरना स्थल पर उन्हें घोषणा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो सभी वार्ड सचिव की जो मांग है हम उसका पूरा करेंगे। इसलिए वहाँ गठबंधन की सरकार बनी, इसमें तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री जी हैं। हम लोग को विश्वास है कि हम लोग का जो वादा किए थे इस गर्दनी बाग से, इसी गर्दनी बाग से फिर घोषणा करें कि जो 13/12/2021 का जो चिट्ठी जारी किया गया था उसको रद्द करके फिर पुराने वार्ड सचिव को ही इस वार्ड सचिव के पद पर रखा जाए। क्या लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे बैठे हैं घर परिवार छोड़ के, तो इससे कुछ असर पड़ेगा सरकार? देखिए बिल्कुल असर पड़ेगा। हम लोगों का मुख्य मांग है, हम लोगों को जो अगले साल पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा पत्रांक संख्या 72/19 दिनांक 13/12/2021 को जो लेटर निकला था, जिसके माध्यम से बिहार के 1,14,691 वार्ड सचिव हम लोग रोड पर आ गए। पिछले वर्ष हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन करने का काम किया। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष वर्तमान उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी धरना स्थल पर आए और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिए कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों को हम लोग स्थायी करेंगे। तो हम लोग सरकार बने हुए लगभग साल पूरा होने को है, हम लोग माननीय उप मुख्यमंत्री जी को याद दिलाने के लिए हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं कि उप मुख्यमंत्री जी हमारी जो मांग है आपने जो धरना स्थल पर आके हम लोग को वादा किया। तो क्या लग रहा है तेजस्वी यादव जी अपने वादे से नुकर रहे हैं या उन पे विश्वास है आप लोगों को? सबसे पहले तो आपके बिहारी प्रतिभा न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जो कि हम बाढ़ सचिवों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का काम कर रही है। हम लोगों के कोई बहुत बड़ा मांग है नहीं, हम लोगों के बीच में आ करके उस समय के नेता प्रतिपक्ष वर्तमान के डिप्टी CM माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो वादा किए थे, हम लोग सिर्फ वही वादा का उनको याद दिला रहे हैं कि आप हम लोगों के बीच में आ करके वादा किए थे कि हमारी सरकार बिहार में आती है तो हम वार्ड सचिवों को स्थायी करेंगे। तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप की सरकार बिहार में आए हुए 1 साल पूरा हो गया, 1 साल होने को है, आप हम वार्ड सचिवों को स्थायी कीजिए। तेजस्वी यादव पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, चूंकि आपको है भरोसा? जी जी पूरा भरोसा है, तेजस्वी जी आएंगे हम लोग को स्थायी करेंगे। आप बताइए घर परिवार छोड़ के आए, कितना परेशानी होगा? मैडम तो आपके माध्यम से हम मतलब चैनल को और तेजस्वी यादव जो हैं, पिछले हम लोग 4 साल काम किए थे, उसके उपरांत हम लोग को ना कोई मानदेय दिया गया और पिछले बार से हम लोग आंदोलन में टिके हुए हैं। पिछले बार से हम लोग 27 दिसंबर 2021 को हम लोग BJP कार्यालय पर घेराव भी किए थे, उस समय लाठी डंडा बहुत सारे हम लोग का जो 3 साथी है और शहीद हो गए हैं और बहुत सारे जो मतलब 10 साथी लगभग जेल में भी गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उस समय बोले थे कि अगर हम अपने सत्ता में रहते तो आप लोग को मानदेय और स्थायी कर देते, इसीलिए उम्मीद से याद दिला रहे हैं। हम लोग बैठे हुए हैं ठंडा के दिन में 4 तारीख से आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और अभी तक कुछ आश्वासन मिला है कि नहीं? नहीं अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, और हम लोग 4 तारीख से इस ठंड कड़ाके की ठंड में परेशान है और अभी तक हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिला है। लेकिन परेशानी हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है सर। देखिए हम लोगों ने जो काम किया 5 साल से और उनको जो भी 7 निश्चय का जो योजना था हम लोग धरातल पर उतारने का भी काम किए, लेकिन सरकार ने हमारे काम का पूरे बाहबाई पूरे देश में उन्होंने लिया। आज के डेट में हम लोगों को घर से बेघर कर दिए, उतना बड़ा कोरोना काल में
रोड पे आ गए। हम लोग उतना बड़ा कोरोना काल में हम लोग मास्क साबुन सब बांटने के काम किया पूरे परिवार को छोड़कर, आज उन्होंने एक लेटर को जारी करके और कहा कि 21 में हम लोगों को ने एक साल हो गया हम लोगों को निकाल दिए। उनका उनका नतीजा आज क्या हुआ है कि उनका सारा नल जल का पानी बंद हो गया है, क्योंकि हम लोग जितना ईमानदारी पूर्वक ने एक रुपया मानदेय न लेकर हम लोग सही समय से सुबह और शाम पानी चलाने के काम किए उनका, और लोगों को जनता में पानी देने के काम किए। लेकिन आज क्या किया हमको घर बेघर होने के नतीजा है कि उनका संस्था फेल हो जा रहा है। और तेजस्वी यादव जी यही आकर कहे थे कि नहीं आपका कार्य बहुत अच्छा है और आपका मांग भी आपका जायज है, लेकिन उन्होंने सारे बात को न देखते हुए उन्हें कहा था कि मेरा सरकार आता तो हमने आप लोगों को अस्थायी करने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हम मौजूद थे गर्दनी बाग धरना स्थल पर, और यहाँ पे वार्ड सचिव है तेजस्वी यादव आए थे इन लोगों के, इसके पहले जब वो सत्ता में नहीं थे तो वादा किए थे कि अगर हमारी सरकार बनती हम सत्ता में आते हैं तो आप लोगों को अस्थाई करेंगे। वही याद दिलाने के लिए, अस्थाई होने के लिए वार्ड सचिव 4 तारीख से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि तेजस्वी यादव कितना एक्टिव है अपने काम पर और इन लोगों को अस्थाई करेंगे कि नहीं करेंगे तो आने वाला समय ही बताएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।